बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और ये जी कल का व्लॉग है, कल था ट्यूसडे और हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद D12। तो व्यू बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। इतना अच्छा, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप है और लेकिन जो सर्दी का ज़ोर था ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि वो जो ज़ोर एक आया था सर्दी का, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ फैली थी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा एकदम से वायरल हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है काफ़ी कंट्रोल है। और प्लस के इतना मतलब अब सर्दी इतनी कम हो गई है कि दिन के टाइम स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अभी भी हम लोगों ने स्वेटर्स नहीं पहने, और बल्कि अगर आप सफ़र में हों, मुसलसल धूप में हों, तो आपको काफ़ी गर्मी फील होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जून जुलाई की जो स्टार्ट की गर्मियाँ होती हैं ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, और अब आप देख लीजिए कि सूरज कहाँ पे है। ऑलमोस्ट सूरज जो है वो असर का टाइम हो चुका है। वैसे ग़ुरूब होने का भी टाइम नहीं है, अभी है कोई डेढ़ घंटा, डेढ़ दो घंटे हैं, लेकिन फिर भी अगर सूरज को देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ग़ुरूब होने वाला है। और हम लोग ये पहुंच चुके हैं D12। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है बहुत मशहूर, जिसका नाम है डेरा दारी। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत हाई क्लास का। और उसके बिल्कुल इन फ्रंट आप देखिए, इतना प्यारा व्यू है। ये माउंटेन है, माउंटेन्स यहाँ पे हैं, और हाइकिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये देखें आप, सूरज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ग़ुरूब होने वाला है, बिल्कुल ग़ुरूब होने का आ रहा है कि जैसे मगरिब का टाइम करीब करीब है। और ये व्यू ना बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। एक तरफ आप देखें तो इतनी ज़्यादा रोशनी लग रही है कि बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि ये असर का टाइम हो चुका है, और दूसरी तरफ देखें तो सूरज ऐसे ग़ुरूब हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मगरिब का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए जी, हम लोग घर पहुँच चुके थे, और घर पहुँचे तो मेरा पार्सल भी रिसीव हो चुका था। अब शाम का टाइम है, थोड़ी ठंड हो जाती है शाम में, तो इसलिए स्वेटर जो है वो वापस हम लोग पहन लेते हैं शाम में। तो मैंने मंगवाया था यहाँ पर ये लिंट रिमूवर मैंने मंगवाया था, जो कि जब आप स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं फिर उस पर वो जो बुर आ जाते हैं, उसकी वजह से आपकी अच्छी वाली एक्सपेंसिव स्वेटर भी वो बहुत ही कोई थर्ड क्लास लग रही होती है। और तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे मंगवाई थी, और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको बैटरी वाली भी मिल जाएगी और आपको इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, मैंने बैटरी वाली इसलिए ली थी कि अब उसके लिए ईजी होता है, आप कहीं पर भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक है वो तो जब तक स्विच नहीं होगा तो फिर आप मतलब आपको उसको रखने में और यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि जहाँ पे आपके स्विच बोर्ड हो आप वहीं पे बैठे। तो मैंने पूरे स्वेटर के इसके सारे जो बोर्ड थे वो इससे उतार लिए थे, और मेरी स्वेटर जो है वो एकदम नई नज़र आना शुरू हो गई थी, बिल्कुल ठीक ठाक। इस पर बुर आ गए थे, हालांकि ज़्यादा पहनी नहीं है, पर इस पर बुर आ गए थे, और वो बुर की वजह से ऐसा लगता था कि ये ना जैसे बहुत पुरानी है। तो बुर की वजह से ना उसकी बिल्कुल एक जो चाम होता है किसी भी चीज़ का, तो वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है और अजीब सा लगने लग जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये मंगवा लेना चाहिए। तो देख लीजिए कितने अच्छे से स्वेटर जो है वो सारी साफ़ हो चुकी है, इसके सारे बुर जो हैं वो उतर चुके हैं, और यहाँ पर आप इसको फिर मशीन को साफ़ भी कर सकते हैं, ये हिस्सा ओपन हो जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। न्यू व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।